हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एनसीआर के उस सिटी की बात जो कि बहुत तेजी के साथ बदल रही है। हम और आप बात करने वाले हैं सोनीपत सिटी की। जो लोग दिल्ली एनसीआर से हैं उन्हें ये सिटी बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि सोनीपत के जो मूरथल के पराठे हैं उन्हें कोई कैसे ही भूल सकता है। लेकिन आज बात इन पराठों से बहुत ऊपर जा चुकी है और यही हम और आप बात करने वाले हैं। सोनीपत सिटी में भारत सरकार के साथ साथ हरियाणा की सरकार भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो सोनीपत में अब तक का सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो कि मारुति सुजुकी द्वारा किया गया है। पहले बात भारत सरकार की करते हैं कि क्या कुछ भारत सरकार ने इन्वेस्टमेंट यहां पर किया है। भारत सरकार द्वारा यहां पर एक एक्सप्रेसवे तो पहले से ही था ही, जिसकी मदद से आप कनेक्ट करते थे सोनीपत सिटी को, जिसे कि कहते हैं केएमपी एक्सप्रेसवे, जिसे कि आप पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, जिसकी मदद से आप फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल, मानेसर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन सभी से कनेक्ट कर सकते हैं सोनीपत को। इस केएमपी एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है और जो कि पूरी तरीके से बनकर तैयार है, जिसकी मदद से आप सोनीपत सिटी को कनेक्ट करते हैं फिलहाल। दूसरा जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, वो बनाया जा रहा है UER2। उसके बन जाने के बाद भाई दिल्ली का जो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उससे सोनीपत की दूरी महज 30 मिनट्स में तय की जा सकती है। मतलब सोनीपत से दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसको आप 30 मिनट में ट्रेवल कर सकते हो, जिस एक्सप्रेसवे के ऊपर निर्माण कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। और सोनीपत का जो इसका हिस्सा होने वाला है वो कंक्रीट का है और सोनीपत स्पर के ऊपर लगभग कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से ट्रेवल करके जाते हैं तो आपको ये एक्सप्रेसवे दिख भी जाता है, जो कि अभी निर्माणाधीन है। और ये UER2 जो है जून तक ये एक्टिव हो जाएगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम जो है इसका जून तक कंप्लीट हो जाएगा। तो उसकी मदद से आप दिल्ली के अलीपुर से लेकर आप ट्रेवल तो एयरपोर्ट तक कर ही सकते हो और साथ ही साथ सोनीपत से भी आप एयरपोर्ट को ट्रेवल कर सकते हो और दिल्ली भी ट्रेवल कर सकते हो, क्योंकि दिल्ली के अंदर से भी होकर ये गुजरेगा। और उसके अलावा एक और एक्सप्रेसवे जिसका निर्माण कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है, जो कि है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, जिसके बन जाने के बाद सोनीपत से आप पंजाब, जम्मू, हिमाचल की दूरी बहुत ही कम वक्त में तय कर सकते हो, क्योंकि ये एक नया एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, नया रूट है ये, जिस पे अगेन स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का होने वाला है और इसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। इसका अपडेट भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है और जल्द ही इसका एक नया अपडेट भी आपको दिखाऊंगा। और ये जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, ये मुझे लगता है कि अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा, दिल्ली से लेकर पूरा कटरा तक का इसका जो रूट है। तो ये तो बात थी एक्सप्रेसवे की। दो एक्सप्रेसवे के साथ साथ दो नए एनएच का भी निर्माण किया जा रहा है। एक एनएच जो कि है एनएच 352A और दूसरा एनएच है जो कि है एनएच 334B। एनएच 352A जो कि सोनीपत से स्टार्ट हो रहा है, जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। ये जो एनएच बनाया जा रहा है दोस्तों, ये 10 लेन का होने वाला है। 3 लेन का मेन कैरेज वे है, 2 लेन का सर्विस रोड बनाया जा रहा है और ये पूरी तरीके से सोनीपत से ही स्टार्ट हो रहा है। दूसरा जो एनएच है जो कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा को कनेक्ट करता है, जो कि बनाया जा रहा है बागपत और सोनीपत के बीच में, ये भी एक नया अलाइनमेंट है जिस पे कंस्ट्रक्शन का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। और ये एनएच भी अगर आप देखेंगे तो बहुत कमाल का एनएच आपको मिलता है। रोड के बाद अब बात आती है रेलवेज की। तो रेलवेज में भी यहाँ पर बहुत मेजर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला है RRTS, दिल्ली पानीपत RRTS की जो लाइन है वो सोनीपत से ही होकर गुजरेगी और सोनीपत में एक नहीं एक से ज्यादा स्टेशन इसके होने वाले हैं।
साथ ही साथ दिल्ली अमृतसर जो बुलेट ट्रेन की परियोजना है वो सोनीपत से होकर गुजरेगी, जिसका स्टेशन अगेन सोनीपत में बनाया जाएगा। यहां पर हरियाणा की सरकार द्वारा सोनीपत से लेकर पलवल तक एक नई रेल लाइन बनाई जा रही है, जो कि डबल डेकर होगी। डबल डेकर मालगाड़ी यहां से गुजरेगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और इस परियोजना को कहते हैं हरियाणा ऑर्बिटल रेल, जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, और इसका अपडेट मैंने आपको दिखाया भी था। और यही सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मारुति ने अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है सोनीपत में। और सोनीपत में ये जो नया मारुति का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आने वाला है दोस्तों, ये एशिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कि मारुति सुजुकी द्वारा यहां पर बनाई जा रही है। केएमपी एक्सप्रेसवे के ठीक पैरेलल में ये नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ रहा है, जो कि मारुति का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। तकरीबन 900 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा एरिया होने वाला है, जहां पर आने वाले वक्त में मारुति अपने व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और आपको भी पता है कि मारुति के आने के बाद गेम जरूर बदलेगा, क्योंकि मारुति सुजुकी यही वो कंपनी है जिसने गुड़गांव की पूरी कायाकल्प करी है। 80s में जब इन्वेस्टमेंट किया था मारुति ने मेरे भाई गुड़गांव में, तब उस जगह पर कुछ खास नहीं हुआ करता था, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो उद्योग विहार या फिर मारुति कंपनी का जो प्लांट है गुड़गांव में या फिर मानेसर में, उसके आसपास एक नई पूरी इंडस्ट्री, एक नया पूरा इकोसिस्टम तैयार हो चुका है, और वही यहाँ पर सोनीपत में होगा। और एक मारुति के आने के बाद आपको भी पता है कि यहाँ पर बहुत सारी नई कंपनियाँ आएंगी। सबसे पहले तो उनके जो पार्ट सप्लायर हैं या जो ट्रांसपोर्टर है, वो तो आएंगे ही आएंगे भाई। आपको भी पता है कि मारुति कंपनी आ रही है, तो मारुति में एक दो लोग तो काम नहीं, हजारों लाखों लोग काम करेंगे इस पूरे नए इंडस्ट्रियल जोन में, जो कि सोनीपत में हरियाणा की सरकार ने बनाया है। ये जो सोसाइटी आप देख रहे हैं दोस्तों, इस सोसाइटी में रहेगी जापान की टीम, जो कि मारुति सुजुकी में काम करने वाली है। तो मारुति सुजुकी की जो जापानीज इंजीनियर्स है, जो जापानीज टीम मेंबर्स है, वो इसी सोसाइटी में रहने वाले सोनीपत के, और इस सोसाइटी का निर्माण लगभग कंप्लीट हो चुका है। इस बार जो सबसे अच्छा काम किया है हरियाणा के सरकार ने, इन्होंने पूरी प्लानिंग करी है, क्योंकि 80s में जो प्लान सेटअप किया था मारुति ने गुड़गांव में अपना, उस वक्त उतनी तगड़ी प्लानिंग हरियाणा की सरकार नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से हुआ यूं कि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया था। लेकिन आज इन्होंने सोनीपत में प्रॉपर एक सेक्टर बनाया है, जहां पर रेसिडेंशियल अलग, कॉमर्शियल अलग, और तो और इंडस्ट्रियल जोन भी इन्होंने अलग रखा है, जिसकी वजह से सिस्टम कोलैप्स ना हो जाए। क्योंकि गुड़गांव में हुआ यूं कि मारुति का जहां पर प्लांट था, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सॉलिड था नहीं, कि किसी ने 80s में नहीं सोचा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि 4 लेन का ये जो रोड है वो भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि मारुति आई तो लोगों को रोजगार मिला, रोजगार मिला तो लोगों की इनकम हुई, उनका वेल्थ बढ़ा, फिर उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, और साथ ही साथ व्हीकल भी उन्होंने लिए, 2 व्हीलर से लोग 4 व्हीलर पे आ गए। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड था उसको तो वाइडर नहीं कर सकते थे, लेन ऐड नहीं कर सकते थे, क्योंकि लेन ऐड करने का जब समय आया उससे पहले ही उसके आसपास नए नए मकान या नए नए दुकान बनकर तैयार हो गए, तो जिसकी वजह से मारुति को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़े। इसी वजह से मारुति ने सोनीपत को सेलेक्ट किया, क्योंकि सोनीपत में इस बार जो पूरा सेटअप किया जा रहा है वो प्लान करके सेटअप किया जा रहा है। तो इसलिए आप भी अगर सोनीपत में निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अनुराज भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये सोनीपत के टॉप कंसल्टेंट है, जो कि सोनीपत में इन्वेस्ट करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। अब सोनीपत में मारुति आई है तो भाई रियल एस्टेट तो आना बनता ही था। तो मारुति कंपनी आई है या सोनीपत में जो इंडस्ट्रियल ये जो हब बनाया गया, इसमें जो लोग काम करेंगे वो दिल्ली या गुड़गांव में जाकर तो नहीं रहेंगे, वो सोनीपत में ही ऑफकोर्स रहेंगे। और ये बात रियल एस्टेट कंपनियों को भी पता थी, गोदरेज यहां पर एंटर कर चुकी है, एलडीगो ऑलरेडी यहां पर पहले से ही है। साथ ही साथ यहां पर देखोगे तो इस जगह पर जिंदल का पूरा एक टाउनशिप है भाई,
जिंदल का ये जो टाउनशिप है इसमें आपको सारी बेसिक फैसिलिटी तो मिलती है, जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम, क्लब, साथ ही साथ भाई यहाँ पर जिंदल ने अपना रेस कोर्स भी बनाया है भाई। अगर आप आओगे ना तो यहाँ पर आपको घोड़े दौड़ते हुए नजर आ जाएंगे। तो एक्सप्रेसवे हो गया, रेलवे हो गया, इन्वेस्टमेंट तो मारुति ने कर ही दिया, रियल एस्टेट भी हो गया भाई। तो रियल एस्टेट यानी कि लोग आएंगे तो लोग अकेले तो आएंगे नहीं भाई, फैमिली के साथ आएंगे ना, तो उनके लिए मार्केट भी चाहिए। तो मार्केट के लिए तो भाई जो सेक्टर बनाए हैं हरियाणा की सरकार ने, इस बार उन्होंने मास्टर प्लान के हिसाब से बनाए हैं, तो उन्होंने बड़े बड़े मार्केट हर एक सेक्टर में दिए हैं। साथ ही साथ लोग आएंगे, फैमिली आएंगी, तो भाई एजुकेशन इंडस्ट्री भी तो होनी चाहिए ना। और NCR की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है ना उनका कैंपस इधर ही है भाई, सोनीपत में। अशोका यूनिवर्सिटी ऑलरेडी यहाँ पर है, ये जो आप देख रहे हो ये अशोका यूनिवर्सिटी का कैंपस है। IIT दिल्ली का कैंपस भी है भाई, ये जो आप देख रहे हो। ये है लॉ यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ यहां पर वर्ल्ड डिजाइनिंग यूनिवर्सिटी है ये। और ये जितनी भी यूनिवर्सिटी मैंने आपको दिखाई है ये भाई, ये पूरी तरीके से फंक्शनल है, स्टूडेंट भरे पड़े हैं इसमें, मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक है NCR की ये, और ये सारी की सारी सोनीपत में है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, जिंदल की जो टाउनशिप मैंने बताई थी ना भाई, तो जिंदल की भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी है जी। ये जो यूनिवर्सिटी आप देख रहे हो ये जिंदल की यूनिवर्सिटी है। रियल एस्टेट में तो और भी कंपनियां यहां पर एंटर करेंगी, इस वजह से ये बेस्ट टाइम है भाई सोनीपत में निवेश करने का। इसीलिए वजह से मैंने बोला है भाई को कांटेक्ट कर लेना, ये टॉप कंसल्टेंट है भाई सोनीपत के, ये आपको गाइड कर देंगे। क्योंकि देखो अभी तो आप निवेश कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही एक बार ये सोनीपत में UER2 स्टार्ट हो गया, जैसे ही मारुति का प्लांट एक्टिव हो गया, जैसे ही दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे बन गया, RRTS बन गया, तो फिर ये रीच से बाहर हो जाएगा। जैसे गुड़गांव ना बहुत लोगों के पॉकेट से बाहर हो चुका है, रीच से बाहर हो चुका है, क्योंकि प्राइस गुड़गांव में बहुत ज़्यादा है। और वैसे मैं सच बताऊँ तो बहुत सारे जो लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं या जो गुड़गांव में रहते थे या बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो शिफ्ट कर चुके हैं सोनीपत में। बहुत लोगों की जो कोठियां हैं वो तो मैं पर्सनली जानता हूँ, नाम किसी का नहीं बताने वाला हूँ। क्योंकि रेलवेज, रोड जो भी चाहिए था वो आ चुका है। इसी वजह से सारे R&D करने के बाद मारुति ने इधर इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि उनको पता है कि गुड़गांव में जो हालत हुई थी वो उनको झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुड़गांव में उनके फैक्ट्री के सामने रोड चौड़ा तो कर ही नहीं सकते थे। इस बार उन्होंने नया जो प्लांट सेटअप किया वो एक्सप्रेसवे के बाजू में किया है। एक्सप्रेसवे जो KMP है वो 6 लेन का है फिलहाल, उसको 12 लेन तक भी कर सकती है NHI। इसी वजह से डिसीजन लिया है मारुति ने कि भाई हम तो एक्सप्रेसवे के बाजू में ही रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि KMP पे है तो KMP से ही स्टार्ट हो रहा है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, वहाँ से फिर वो जम्मू तक चले जाएंगे और उसके बाद वहीं से UER2 को भी कनेक्ट कर जाएंगे। उसके बाद NH44 तो है ही, NH44 को भी कनेक्ट कर जाएंगे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी KMP से वो कनेक्ट कर जाएंगे, क्योंकि KMP पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा इंटरचेंज है। तो मारुति कंपनी ने बहुत बड़ा R&D किया है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और यूं ही नहीं उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा अपना प्लांट सेटअप किया है सोनीपत में। तो इसीलिए मारुति ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो आप अगर NCR से तो आपको पता है कि कितना बड़ा जंप देखने को मिला था रियल एस्टेट इंडस्ट्री में और कितना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाया था मारुति ने तब भी 80s में और आज भी पहुँचा रही है। क्योंकि जिसका भी मारुति के फैक्ट्री के सामने ज़मीन है भाई वो अरबपति है, करोड़पति नहीं अरबपति है, क्योंकि उसके सामने ज़मीन सस्ती तो अब है नहीं, चाहे वो गुड़गांव वाला हिस्सा हो या मानेसर वाला हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो ताकि लोगों को पता चल सके कि ये जो सोनीपत सिटी है ये पराठे और राइस मिल से आगे जा चुकी है। जी पराठे को तो आपको पता ही है, और राइस मिल जो आप जानते हो ना, जैसे दावत, कोहिनूर, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिसका राइस आप खाते हो, कंज्यूम करते हो, उनका फैक्ट्री भी सोनीपत में ही है भाई। लेकिन इन सभी से भी अब ऊपर जा चुका है, आने वाले वक्त में सोनीपत से ही कार मैन्युफैक्चर होगा और देश के कोने कोने में जाएगा। जैसे आज चावल मैन्युफैक्चर होता है देश के कोने कोने में जाता है, और देश के क्या विदेश के कोने कोने में भी जाता है।
भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, उनको ये जानना अच्छा लगता है कि किस तरीके से उनका जो देश है वो आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से जो सिटी है वो स्मार्ट सिटी बन रही है, और वही तो आपका भाई दिखाएगा। और आप RS Live चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि मैं आपको दिखाता रहूंगा जितनी भी परियोजनाएं अपने देश में चल रही हैं, जब तक वो बन नहीं जाती, जब तक हम और आप उस पर ट्रेवल नहीं कर लेते, तब तक आपका भाई दिखाता रहेगा। और सोनीपत के आसपास भी फ्यूचर में जो आने वाली परियोजनाएं हैं उसका भी काम आपको दिखाऊंगा, और जो चल रही है उसका भी काम दिखाऊंगा, जैसे कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का भी काम आपको दिखाऊंगा, जो हरियाणा ऑर्बिटल रेल की परियोजना है मालगाड़ी के लिए जो बना रही है हरियाणा की सरकार, उसका भी अपडेट आपको दिखाऊंगा, दिखाया भी है। और साथ ही साथ जो RRTS की लाइन बनने वाली है उसका भी अपडेट दिखाऊंगा, और बुलेट ट्रेन जो गुजरने वाली है सोनीपत से दिल्ली से अमृतसर के बीच में, उसका भी अपडेट आपको दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि किस तरीके से इन इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि सभी को पता चल सके कि अपना देश बदल रहा है और सोनीपत तेजी के साथ बदल रहा है। तो चलो भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मैं जल्द ही आपसे मिलता हूँ।